दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दो गुप्त नवरात्रे होते, एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में आता, जो 10 तारीख से चालू हुआ 18 तारीख तक चले। श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्र का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्र के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्र के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्र के अंतर्गत 9 लाल फूल, 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्र में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्र में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंद में कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें, 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिव जी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण, देवाधिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर, एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें, कभी मौका लग जाए, कभी। नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुमार के नवरात्रे हो, पर हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्रे में, कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, 2 शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते हैं। आपको नहीं बनाना 2 शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक मिट्टी का थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है, अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है, प्रत्येक शक्तिपीठ। ऐसा नहीं कि मेरी माँ पिंडी के रूप में पूजाती नहीं, वो भी पूजाती।